ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में सशर्त वापसी का रास्ता साफ हो गया है। वो कांग्रेस नेता जो अब तक ये नहीं चाहते थे कि सिंधिया किसी भी तरह कांग्रेस में वापस आए, अब वो खुद सिंधिया की वापसी के लिए सहमत हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वापसी पर सिंधिया के स्वागत के लिए भी बेताब हैं। जब से राहुल गांधी ने कहा है कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो शायद सीएम हो सकते थे, और फिर कहा कि कांग्रेस समंदर है, यहाँ सबका स्वागत है, बस इसके बाद से ही ये कयास लगने लगे हैं कि राहुल गांधी ने सिंधिया को बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि वो उनकी वापसी के पक्ष में है। उसके बाद से ही कांग्रेस के सुर बदले हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया पहले सिंधिया के लिए कुछ अपशब्द कहते सुने गए, पर अगले ही दिन उनके सुर भी बदल गए। भूरिया ने साफ कहा कि अगर सिंधिया चाहे तो पार्टी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि भूरिया ने यह भी कहा कि सिंधिया की वापसी सशर्त ही होगी। भूरिया ने कहा कि सिंधिया का माफीनामा यानी कि लिखित तोड़ बीजेपी में जाने पर सिंधिया माफी मांगेंगे तो ही उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। हालांकि शर्त भूरिया ने रखी है, उस पर पार्टी आलाकमान ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इस भूचाल के बाद वैसे भी सिंधिया खामोश ही नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में उनका रुख क्या होगा, फिलहाल इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है।